नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश कौशिक एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी खबरों पर। बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है, जहां पर देश के कई राज्यों में आया भयानक भूकंप। जी हां दोस्तों, बिहार और मध्य प्रदेश के साथ ही कई जगहों पर भूकंप के तेज झटके यहां पर सुबह सुबह देखे गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की जो तीव्रता है वो 6 के आसपास मापी गई है। यहां पर आपको बता दें कि बिहार में रविवार सुबह सुबह करीब 8:13 पर लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत फैल गई और अपने घरों से बाहर निकल आए। दरअसल रिक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता है वो 6 मापी गई है, और हालांकि इसका केंद्र काठमांडू बताया जा रहा है। आपको बता दें बिहार के मुंगेर जिले तक इस प्रभाव को महसूस किया गया, और नेपाल से मिल रही जानकारी के मुताबिक नेपाल की राजधानी काठमांडू में करीब 150 किलोमीटर दूर भी जमीन के नीचे हलचल होने की सूचना महसूस हुई है। आपको बता दें भूकंप के झटके बिहार के कई जिलों में महसूस किए गए। बिहार के बेगूसराय, किशनगंज, कटिहार, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी और लखीसराय में भूकंप के झटके जो लोगों ने महसूस किए। स्थानीय लोगों के मुताबिक रविवार सुबह 8:13 के आसपास करीब सभी लोगों को अचानक से भूकंप के झटकों का एहसास हुआ। और इसी के साथ मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है कि इंदौर के आसपास भूकंप के लगे झटके। महू से पीथमपुर के बीच सुबह 11 सेकंड तक कंपन माचला राजेंद्र नगर में भी महसूस किए गए थे। तो मध्य प्रदेश के इंदौर के पास सुबह सुबह एक बार फिर से भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। हालांकि इसकी तीव्रता तो काफी कम थी, लेकिन दोपहर बाद जब इसकी पुष्टि हुई तो इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में काफी हलचल रही। राव बाईपास के पास माचला गांव में भी भूकंप के हल्के झटके जो यहां पर लोगों ने महसूस किए। और मौसम विभाग के मुताबिक भूकंप का जो केंद्र है ना, वो दोस्तों जमीन से लगभग 10 किलोमीटर नीचे था। इसका असर जिले के बोरखेड़ी, नवगंज, उमरिया और खेड़े गांव के आसपास रहा था। तो दोस्तों सुबह सुबह जो यहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, रिक्टर स्केल पैमाने की बात की जाए तो भूकंप की जो तीव्रता है वो 6 पर रही है। मतलब 6 पर तीव्रता जो दोस्तों काफी ज्यादा होती है, जहां पर 2.5 या 3 के आसपास भी जमीन पर जो धरती है वो हिलने लगती है। लेकिन जस्ट इसका दुगना अगर 6 के आसपास होगी ना, तो बहुत ही ज्यादा नुकसान की भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि खबर पड़े जाने तक क्लियर रिपोर्ट का आकलन नहीं हो पाया है कि कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारी खबरों पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दे। जी हां दोस्तों, और साथ ही खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में इन खबर पर आपकी क्या है राय वो हमें ज़रूर बताएं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। जब तक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी से, और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो पहुँच सके आपके पास सबसे पहले।